जानते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो ओस्टवाल्ड ही थे, यानी इस वैज्ञानिक का नाम था ओस्टवाल्ड। व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, किसे कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। दरअसल सन 1888 ईस्वी में ओस्टवाल्ड का कहना था, किसी दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब हमने क्या कहा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा को हम लोग एल्फा से डिनोट करते हैं, आयनन की मात्रा उसके तनुता, तनुता को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, उसके तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है बच्चों ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, इसे हम ऐसे भी लिख सकते, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। अब ये ओस्टवाल्ड का कहना था, क्या कहना था, जरा इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। दरअसल ओस्टवाल्ड का कहना था, किसी दुर्बल विद्युत अपघट के विलयन में आयनिक और अनआयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, इन दोनों के मध्य एक साम्यावस्था भी स्थापित होती है। यही नहीं, इस पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम भी लागू होता है। अब ये सब बातें क्या थी, क्या कहना था ओस्टवाल्ड का, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ऐसे समझिए, दुर्बल विद्युत अपघट की बात करें तो एसिटिक एसिड, क्या दुर्बल विद्युत अपघट नहीं है, है। जब आप इसे जल में घोल रहे होंगे, CH3COOH, जब आप इसे जल में घोल रहे होते हैं, तो क्या जरूरी है क्या सभी मॉलिक्यूल्स आयनिक हो जाएंगे, टूट जाएंगे? नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स बच्चों आयनिक होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आयनिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि यही तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में अंतर है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिन्हें जल में डिजॉल्व करने पर जो पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं आयनिक हो जाते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर ये पूरी तरह आयनिक नहीं हो पाते, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स टूटने में शेष रह जाते हैं, राइट। तो जो आयनिक हो जाए और जो आयनिक न हो, उन दोनों के मध्य एक साम्यावस्था विस्थापित हो जाएगी और इस पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम भी लागू होगा, राइट। यही कहना था ओस्टवाल्ड का। तो जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या कहा। अब जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक AB दुर्बल विद्युत अपघट है, राइट। AB एक हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट है, और जब आप इसे किस में घोलेंगे, जल में घोलेंगे। ऐसे आप जरा समझिए, जब आप बच्चों इसे जल में घोलेंगे तो क्या होगा, A+ में टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B- में टूट जाएगा। क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि AB का एक मोल, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, अतः AB का एक मोल, AB का एक मोल V लीटर वाले पात्र में रखा है। ये देखिए, AB का एक मोल V लीटर आयतन वाले पात्र में रखा है, और यहां पर हम एक लाइन और इसे हटाकर बढ़ा दे रहे हैं, AB एक दुर्बल विद्युत अपघट है, राइट। AB एक दुर्बल विद्युत अपघट है। अब हम इसे जरा AB को हम जल में डिजॉल्व करते हैं बच्चों, घोलते हैं। ये देखिए, AB को हमने जैसे ही किस में घोला, जल में घोला, तो ये प्लस में टूट जाएगा और ये किस में टूट जाएगा, B- में, राइट। तो इस प्रकार से हमने इसे जल में घोला, A+ B- में टूट जाएगा। जरा आप ऐसे समझिए, प्रारंभ एक तो रिएक्शन वे होता है, जैसे हमने मान लीजिए चीनी लिया, चीनी को जब हम जल में नहीं घोले होंगे तो वहां पर वो उसकी प्रारंभिक अवस्था होगी। जैसे आप चीनी को जल में घोल देंगे तो चीनी जल में घुलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तब वहां पर एक साम्यावस्था लागू हो जाती है, राइट। तो प्रारंभ में, यहां हम लिखते हैं प्रारंभ में, प्रारंभ में AB का कितना है, 1 मोल्स, इट्स ऑल राइट। AB का कितना है, 1 मोल्स पर लीटर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वी लीटर आयतन वाले विलयन में AB का एक मोल घुला हुआ है, और यहां पर प्रारंभ में क्या होगा, 0। अच्छा, प्रारंभ में आप ऐसे समझिए, प्रारंभ में जब कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं,
तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं बनेगा, वो जीरो ही रहेगा। चलिए अब साम्यावस्था लागू होती है, इस पर कुछ रिएक्शन भी होता है, प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो सपोज मान लीजिए जो आयंस टूटते हैं, जो आयंस जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे हमने मान लिया अल्फा, तो यहाँ प्रारंभ कितना था, वन था, और जो प्रोडक्ट बना जो टूटा उसे हमने क्या मान लिया अल्फा, यानी वन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा। अच्छा यहाँ पर अल्फा टूटा तो यहाँ पर बनेगा क्या, अल्फा ही तो बनेगा। यहाँ पे हम क्या ये नहीं लिख सकते मोल पर लीटर, यहाँ भी आप कर दिए मोल पर लीटर, यहाँ भी आप करिए मोल पर लीटर, राइट। अच्छा थोड़ा इस पर हम सक्रिय द्रव्यमान लगाते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार। एक्चुअली में आप लोग सक्रिय द्रव्यमान नहीं, यहां साम्यावस्था नियमानुसार भी लिख सकते हैं। तो हम सक्रिय द्रव्यमान नियमानुसार क्या लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए बी, यानी ए बी का सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, इसका कितना है, वन माइनस एल्फा अपान वी मोल्स पर लीटर, राइट। ये होता है इसका फार्मूला मोल पर लीटर। और यहां पर एक्टिव मास ऑफ ए प्लस का क्या हो जाएगा, एल्फा अपान वी मोल पर लीटर, यहां पे आप अपान वी भी कर सकते हैं। एक्टिव मास ऑफ बी माइनस का क्या हो जाएगा, एल्फा अपान वी मोल पर लीटर, यहां मोल पर लीटर आप लगा सकते हैं, राइट, सभी मोल पर लीटर। अच्छा अब इनका हम जरा द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लिखते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार, राइट। जैसे आप द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम होता क्या है ये हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे व्हाट इज के, राइट। आप केवल इतना जानिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है क्या, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का जो गुणनफल होता है वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर देखिए उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान हम ऐसे लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ बी माइनस डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ ए बी, राइट, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए बी, ये है सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा सभी का हम वैल्यू भी रखते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए प्लस का वैल्यू क्या है, अल्फा पान वी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी माइनस का वैल्यू क्या है, अल्फा पान वी, एक्टिव मास ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है, वन माइनस अल्फा पान वी, राइट। यहां पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा अपान वी। अंदर अंदर का गुणा करिए, बाहर बाहर का क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे देखिए ये हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर इंटू वी अपान वन माइनस अल्फा इंटू वी। तो यहां पर वी स्क्वायर होगा ये, राइट, और यहां पर ये जो वी सॉरी यहां यहां वी होगा, यहां पर वी स्क्वायर होगा, तो यहां पर एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, एल्फा स्क्वायर अपान वन माइनस एल्फा इंटू वी। अच्छा अब यहां पर कहा जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जब दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो यहां पर जो बच्चों वन माइनस एल्फा है, वन माइनस एल्फा इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन वन, बहुत कम होता है वन से, बात समझ में आ रही है, अगर बहुत कम है वन से तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, के इक्वल टू एल्फा स्क्वायर अपान वी, ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर इक्वल टू के इंटू वी, दैट्स के ऑफ डिसोसिएट कॉन्स्टेंट है, वियोजन स्थिरांक है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी, ये आप देख पा रहे हैं, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी, यहां पर हम जैसे कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, के कांस्टेंट, राइट। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम।
दरअसल किसी दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ओस्टवाल्ड ने अपना एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड तन्यता नियम। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इनके वेयर इन जहाँ क्या क्या ये सब हैं वेयर। बात करें एल्फा, तो एल्फा जो होता है, अच्छा सीधा हम पहले के लेते हैं, के क्या है, ए बी का आयनन स्थिरांक, ए बी का आयनन स्थिरांक, राइट, ए बी का आयनन स्थिरांक। और एल्फा क्या है, ए बी के आयनन की मात्रा, ए बी के आयनन की मात्रा, राइट। वी क्या है, तनुता, वी क्या है, जो तनुता है, तनुता मतलब, तनुता मतलब क्या है, तनुता मतलब है कि ए बी का एक मोल एक लीटर आयतन वाले विलयन में घुला हुआ है। आप कह सकते हैं यहां ए बी का एक मोल एक लीटर विलयन में घुला है, राइट, यही है तनुता। तो ये ओस्टवाल्ड का कहना था, उन्होंने बातें बताई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। जब किसी हम दुर्बल विद्युत अपघट को जल में डिसोसिएट करते हैं तो कुछ दुर्बल विद्युत अपघट के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं। जो टूट जाते हैं, जो नहीं टूटते, दोनों के मध्य एक साम्य विस्थापित हो जाएगा, इस पर द्रव्य अनुपात